शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 महीने से ज्यादा वक्त से जारी जंग ने दुनिया भर में खाने का खाद्य संकट पैदा करना शुरू कर दिया है। दरअसल ये दोनों ही देश दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातकों में शामिल हैं। यहाँ पूरी दुनिया का लगभग 30% गेहूं की पैदावार होती है, लेकिन युद्ध की वजह से इस साल इन देशों से गेहूं का निर्यात बुरी तरह से बाधित हुआ है और कई देशों के सामने गेहूं की कमी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बीच भारत को गेहूँ के सबसे बड़े खरीदार देशों इंडोनेशिया और बांग्लादेश के अलावा ओमान, वहीं संयुक्त अरब अमीरात और यमन से गेहूं के लिए अनुरोध मिले हैं। वहीं गौरतलब है कि देश में विकराल होती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए भारत ने घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए गेहूं के निर्यात पर 13 मई को पाबंदियां लगा दी। वहीं भारत सरकार के इस फैसले ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पहले से उपस्थित खाद्य संकट और गंभीर हो गई है। वहीं लिहाजा भारत के पड़ोसी और मित्र देशों के अलावा पहले से भारतीय गेहूं के खरीदार रहे देशों ने भारत से एक बार फिर गेहूं की आपूर्ति बहाल करने की अपील की है। वहीं खबरों में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद भारत को इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन से गेहूं खरीदने के लिए अनुरोध मिले हैं। इसके बाद सरकार गेहूं की देश में ज़रूरतों और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता का मूल्यांकन कर रही है। वहीं गौरतलब है कि भारत से जिन देशों से गेहूं की मांग सामने आ रही है उनमें ज़्यादातर इस्लामिक देश हैं। भारत से ऐसे वक्त में मांग की है जब इन देशों से पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर भाजपा के पूर्व नेता और प्रवक्ता के खिलाफ विरोध के बीच भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की खबरें आ रही हैं। गौरतलब है कि भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाते वक्त कहा था कि वह पड़ोसी देशों और ज़रूरतमंद देशों को गेहूं का निर्यात करता रहेगा। इसके तहत भारत ने इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत कुछ देशों को हाल ही में 5 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की मंजूरी दी थी। बताया जाता है कि इसके अलावा केंद्र सरकार 12 लाख टन और गेहूं के निर्यात करने की मंजूरी देने की तैयारी में है। गौरतलब है कि भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। हालांकि निर्यात के मामले में भारत बहुत ही पीछे है। भारत सामान्य तौर पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, यमन, ओमान, कतर जैसे खाड़ी देश यानी कि गल्फ कंट्रीज को गेहूं बेचता है। हालांकि इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया भी भारतीय गेहूं के बड़े खरीदार हैं। दरअसल भारतीय गेहूं की कीमत दुनिया के दूसरे देशों के गेहूं के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। जानकारों का कहना है कि भारतीय गेहूं की मांग के पीछे एक बड़ा कारण इसकी कम कीमत भी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार कीमतें बढ़ने के बाद भी भारतीय गेहूँ अंतर्राष्ट्रीय भाव की तुलना में 40% सस्ते में उपलब्ध है। यही वजह है कि गेहूं के बड़े आयातकों में से एक बांग्लादेश अभी भारत से और गेहूं खरीदने की तैयारी में है। दरअसल पड़ोसी देश गेहूं के मामले में पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। पिछले वर्ष उसने अपनी ज़रूरत का करीब आधा हिस्सा भारत से खरीदा था। इसके अलावा बांग्लादेश रूस और यूक्रेन से भी अच्छी खासी खरीदारी करता है। साल 2020 में बांग्लादेश ने रूस से $1.8 बिलियन का और यूक्रेन से 610.80 बिलियन डॉलर का गेहूं खरीदा था। वहीं पिछले वर्ष भारत ने 2021-22 में बांग्लादेश को $1 बिलियन का गेहूं निर्यात किया था। वहीं नोमूरा की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल गेहूं निर्यात का 55.9% अकेले बांग्लादेश खरीदता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।